नमस्कार, मैं हूँ हिना मेहता और आप देख रहे हैं प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुख करते हैं आज के खबरों की ओर। बुरहानपुर में लगातार बारिश से जमीन धंसने और 30 फीट तक के गड्ढे हो गए। कुछ वर्षों से शहर में गड्ढे को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध चलती रहा है और अब लगातार बारिश होने से भूमि धंसने से बड़े बड़े गड्ढे होते दिखाई देने लग गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा उज्जैन में पहुंच रही है। यात्रा को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हैं। यात्रा महितपुर घटिया उज्जैन होते हुए आगे की ओर रवाना होगी। जन आशीर्वाद यात्रा में उज्जैन के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री मोहन यादव और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठनात्मक संरचना के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। इसी के तारतम्य में उज्जैन जिले में जन आशीर्वाद यात्रा आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने मध्य प्रदेश में जो निरंतर विकास के नई इबारत घड़ी है, मध्य प्रदेश में दसों दिशा में जो परिवर्तन विकास के हुए हैं मध्य प्रदेश में, उसको लेकर उस सारे विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड लेकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वार द्वार घर घर जा रही है और अपार आशीर्वाद जनता का मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। बाबा महाकाल की शाही सवारी निकलने के लिए पूरा शहर दुल्हन की तरह सज रहा है। वहीं दूसरी ओर शाही सवारी में गणेश बैंड की मधुर आवाज भी सुनने को मिलेगी। सरगरा परिवार दो पीढ़ियों से शाही परिवार में निकलता है। खास बात तो यह है कि इसके लिए लगभग 2 महीने से भी अधिक समय से इस शाही सवारी का इंतजार बैंड बजाने वाले कलाकार करते हैं और रियाज कर शाही सवारी के दिन निकलते हैं। यह हमारा तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं शाही सवारी में सेवा। भैया भी बेटा है हमारे, सब सेवा करते आ रहे हैं और हर वर्ष सेवा करते हैं बाबा की। कितने लंबे समय से प्रयास करती है आपकी टीम, कितने लोग आपके बैंड में रहते हैं और क्या आपके बैंड का नाम है? देखो, हम लोग 1.5 से 2 महीने की तैयारी रहती है। सब गाड़ियों में बनती है, ड्रेस बनता है सब, और सब नई ड्रेस बनता है। दिल्ली से मेरठ से बन गया था माल, कुछ गाड़ियों में कलाकारों ने हमारे बनाते हैं, जो गाड़ी अच्छी नई गाड़ी बना के देते हैं। इंदौर में भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के बैनर तले इंदौर और उज्जैन संभाग के अधिवक्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 250 से अधिक अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया, जिन्हें चुनावी दौर में प्रत्याशियों को फॉर्म भरने से लेकर तमाम सहायताओं की जानकारी दी गई है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज द्विवेदी जी के नेतृत्व में उज्जैन और इंदौर संभाग के प्रत्येक जिलों की शिविर आयोजित किया गया है। इसमें सभी अधिवक्तागण जो है बीजेपी से जुड़े सभी अधिवक्तागणों को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि आगामी चुनाव में आदर्श आचार संहिता में जारी निर्देशों का पालन किस तरह से किया जाना है। प्रत्याशियों को जो निर्वाचन प्रत्याशी हैं उनको फॉर्म भरने में किस प्रकार से मदद की जानी है और इस को लेके विधानसभा से लेके बूथ स्तर तक वकीलों की जो है सूची बनाई गई है, टीम बनाई गई है जो धरातल पर इसके लिए कार्य कर रही है। इंदौर में ड्रग पेडलो वॉइस मादक पदार्थ का सेवन करने वाले युवाओं को चिन्हित कर पुलिस कार्यालय पर बुलाया गया। यहां पर उन्हें मादक पदार्थों से होने वाले हानिकारक प्रभाव के साथ ही उनका मेडिकल चेकअप कराकर नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई गई। आज इंदौर पुलिस के द्वारा एक बड़ी पहली की गई है, इसमें माननीय CP महोदय के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि एक ऐसा कैंप या ऐसी एक परेड करानी है जिसमें शहर के जितने भी ड्रग पैडलर्स हैं, एडिक्ट हैं, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए और साथ में सभी का पहले मेडिकल परीक्षण किया जाए। मेडिकल परीक्षण के बाद उनकी काउंसलिंग की जाए ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार का ड्रग का ना तो सेवन करें ना ही ड्रग की पैडलिंग करें। इसको लेकर के सभी जगह ये कार्रवाई की गई और जोन 2 से लगभग हम 45 लोगों को हमने इकट्ठा किया था। ये जो थाना परदेसीपुरा, MIG, विजयनगर, लसूड़िया, खजाना, कराड़िया, तिलक नगर से अलग अलग संख्या में टीमें बनाई गई थी और ये सभी टीमें कंट्रोल रूम में ले गई, सभी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। फिर वहाँ जो काउंसलर टीम थी उनके साथ में बात की गई, जो उनका डोजियर था, फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट वो लिए गए और बाद में उनको समझाइश भी दी गई। और इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उनके विरुद्ध में जो इकफुदा से आयतन अपराधी की जो इस्तगासा है उनको भी पेश किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा से आदिवासी समाज के लोगों ने 150 गांव का भ्रमण किया और शिवराज सिंह चौहान का जमकर विरोध दर्ज कराया। और आज ये जो रैली हम लोग लेकर आए हैं,
एक्चुअल में ये एक यात्रा है जो मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में कम से कम 2 महीने का भ्रमण करती हुई आई है। आप उस भ्रमण के अंदर में ऐसा क्या किया गया है वो पूरा चिट्ठा इस फाइल के अंदर हमने 17 पन्नों की ये फाइल है और तकरीबन 140 गांवों की लिस्ट में, और वही सारे लोग आए हैं जो समस्या से जूझ रहे हैं, जो 50 साल 80 साल से अपनी ज़मीन के पट्टे के लिए तरस रहे हैं, जो दबंग लोग उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं उन ज़मीनों को छुड़वाने के लिए तरस रहे हैं, जिन लोगों की बही बन जाती है उनकी ज़मीन कहाँ पर है, सरकार से पूछने जाए प्रशासन से पूछने जाए तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहते, इन विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं। और हमारी वर्तमान सरकार जब इनसे न्याय की बात करते हैं तो पुलिस प्रशासन को लगाकर हमें रोकने का काम किया जाता है। इन तमाम प्रकार की चीज़ों को एक अल्टीमेटम देते हुए कि 15 दिन के अंदर अगर ये तमाम प्रकार की जमीनी समस्याएं और जो हमारी धरोहरों को लेकर जो हम मांग कर रहे हैं 15 दिन के अंदर अगर नहीं मिलती हैं तो उन्हीं की विधानसभा के अंदर रेहटी और मालीबाया के अंदर में एक विशाल आंदोलन होगा जो कि शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। और जब तक मुख्यमंत्री जी खुद अपनी विधानसभा के अंदर इन मांगों को मानने के लिए मजबूर नहीं हो जाते, हमारा एक भी आदिवासी भाई SC ST OBC का भाई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। युवा आयोग के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर निशांत खरे कांटाफोड़ दौरे पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। डॉक्टर खरे को अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों पर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। ग्राम पुंजापुरा में हजारों की संख्या में आम नागरिक पहुंचे, जहां समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की जानकारी सभी को होनी चाहिए और एक सामाजिक कार्यक्रम समाज के बीच में समाज के लोगों से एक सार्थक संवाद, सार्थक चर्चा, क्षेत्र की कुछ लंबे समय से मांगे भी रही है उसकी जानकारी और एक सहज लोगों से मिलना जुलना यही कार्यक्रम का मुख्य। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी प्रदेश।